जी, नया लेक्चर है हमारा, 20-25 टॉप क्वेश्चंस है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के। ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है, चैप्टर 4 प्लस 2 का एनसीईआरटी से, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। इसमें जो टॉपिक वाइज हमने बताया, पहला मैग्नेटिक फोर्स के क्वेश्चन है, नीट 2018 में आया हुआ है जी। मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है? ऑन अ करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फोर्स के दो फार्मूले हैं। एक तो चार्ज पार्टिकल पे होता है मैग्नेटिक फोर्स QVB, थोड़ा सा मैं टॉपिक को बता रहा हूँ। फिर मैग्नेटिक फोर्स अगर करंट कैरिंग वायर के लिए है, BIL, दोनों में साइन थीटा आता है, ठीक है जी। मैक्सिमम के लिए क्या होता है जी? साइन वन हो जाता है, साइन थीटा की वैल्यू वन हो जाती है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अ मैग्नेटिक रॉड ऑफ मास पर यूनिट लेंथ, स्मॉल m, टोटल मास पर यूनिट लेंथ कितना दिया हुआ है? 0.5 kg पर मीटर, m/l दिया हुआ है, टोटल मास पर यूनिट लेंथ। ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे है जी हमारा, विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन कितना एंगल बना रहा है जी? 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्ट। द रॉड इज नॉट अलाउड टू स्लाइड डाउन बाय फ्लोइंग अ करंट थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड। एक ये रॉड बनानी है, ऑब्जेक्ट नहीं है, पूरा रॉड है एक तरह से, पूरा ऐसे हमारा हम कह सकते हैं जी एक रॉड है, ठीक है जी। मैग्नेटिक फील्ड इन द वर्टिकल डायरेक्शन, देखो जी एक रेल्स वाला टॉपिक है जी हमारा ये बुकलेट में, आपको मैं बुकलेट का भी दिखाऊंगा जी लास्ट लेक्चर में सारा। उसमें ऐसे रेल्स का एक टॉपिक बना हुआ है जी मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड वहां ऊपर जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से या रेस्ट पे, नॉट अलाउड टू स्लाइड, दोनों एक ही बात, रॉड कांस्टेंट वेलोसिटी से या, ठीक है जी। तो डायग्राम आप थोड़ा ऐसे बड़ा सा बना ले, ये वाला इंक्लाइंड प्लेन का, ठीक है जी। अब इसमें हमें बताना है कि एंगल क्या होगा जी, एंगल करंट क्या होगा रॉड में, ताकि ये रॉड स्टेशनरी रहे। स्टेशनरी का मतलब नेट फोर्स जीरो, mg मास से वेट आ गया जी, ये 30 डिग्री गिवन है। अब देखो जी ये एंगल 30, तो हमारा ये वाला एंगल भी 30 हो जाएगा, तो ये mg cos 30 और ये mg sin 30, ठीक है जी। अब देखो जी mg sin 30 है, अब मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है? डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रही है, करंट अगर इधर को होता तो फोर्स इस साइड को ही आ जाता, तो ये रोकेगा नहीं। तो करंट की डायरेक्शन मैं बता देता हूं, इधर को होनी चाहिए, करंट की डायरेक्शन एक बार फिर से आप इस डायग्राम को प्रॉपर, रॉड का मास आप समझ गए होंगे, वेट जो हमने बनाया ये एंगल थीटा होता है, तो ये भी एंगल थीटा हो जाता है जी, ठीक है जी। तो ये कंपोनेंट आ गया mg cos थीटा और ये mg sin थीटा, mg sin थीटा इसे नीचे लेके जाएगा। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा किसी फोर्स से, तो करंट आपको रॉड में इधर को लेके जाना पड़ेगा, करंट इधर को। देखो जी अगर हम बात करें, हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है, अगर करंट इधर को जाता, करंट इधर को जाता तो फोर्स इधर को आ जाता जी, इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाता, पर फोर्स पीछे की तरफ चाहिए, पीछे की तरफ चाहिए, तो करंट इधर को जाएगा, ये इस साइड को करंट जा रहा है, ठीक है जी, और फोर्स पीछे की तरफ चला जाएगा, ठीक है जी। और ये फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स इधर Fm, इसके भी कंपोनेंट आएंगे जी, ठीक है जी।
हाँ जी, ये पेज नंबर 37 में हमारी बुकलेट के डायग्राम प्रॉपर बना हुआ था, क्योंकि डायग्राम थोड़ा हम प्रॉपर नहीं बना पा रहे थे। तो देखो जी, यहाँ पर ये रॉड जा रही थी, ये वही मैंने बताया रॉड का एंगल थीटा, तो ये एम जी साइन थीटा, ये एम जी कॉस थीटा। मैग्नेटिक फोर्स जो, जैसे कि मैंने बताया आपको कि पीछे को जाएगा, करंट इधर को जा रहा है, देखो रॉड में करंट इधर को जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड पीछे को जा रहा है, ठीक है जी। मैग्नेटिक फोर्स, तो फोर्स हमारा इधर को जा रहा है एफ। अब ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया जी, ठीक है जी। तो ये भी क्या हो गया जी हमारा थीटा, तो ये एफ कॉस थीटा और ये एफ साइन थीटा। अब हमें तो नीचे को स्लाइड करने से रोकना है उसे, अगर स्लाइड करने से रोकना है तो क्या होगा जी, एफ कॉस थीटा हमारा किसको बैलेंस करेगा जी, एम जी साइन थीटा को। एफ कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, एम जी साइन थीटा को। आई की वैल्यू निकालनी है, बुकलेट में बी का फार्मूला निकाला हुआ। देखो आप यहां पर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, करंट आई का, ठीक है जी। साथ ही साथ मैं ये भी बता रहा हूँ कि कहाँ से क्या चीज पढ़नी है हमें, ठीक है जी। अब इसमें ये सेवंथ केस था, सेवन केस इंपॉर्टेंट है, आप 7 के 7 ढंग से करें जो बताया गया है पढ़ाते टाइम। तो आई इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, बी एम जी बी एल टैन थीटा। डायरेक्ट फार्मूला है, एम बाय एल की वैल्यू गिवन है, एम बाय एल की वैल्यू क्या गिवन है जी, 0.5। बी की वैल्यू गिवन है जी मैग्नेटिक फील्ड 0.25। जी हमारा 9.8 लेंगे जी, कैलकुलेट करके 11.32 आ जाएगा जी। सारा कैलकुलेशन आपने करनी है जी, एम बाय एल 0.5, ये 0.25, जी की वैल्यू 9.8, टैन थीटा 1/√3, टैन 30 था तो 1/√3। सॉल्व करेंगे सारा वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, वेना प्रोटोन हमारा है इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, इट स्टार्ट्स विद इनिशियल एक्सेलरेशन ए नॉट टूवर्ड्स वेस्ट, व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ विद वेलोसिटी वी नॉट, इट मूव्स विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन 3a0 टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है जी। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन द रूम इज, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द रूम इज, देखो जी रेस्ट से रिलीज करा, ठीक है जी, तो भी वो वेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है जी। रेस्ट से रिलीज करा तब भी वो वेस्ट की तरफ जा रहा है। अब इसको डायरेक्शन हम बनाते हैं प्रॉपर, नॉर्थ साउथ ईस्ट और ये वेस्ट, हमने रेस्ट से रिलीज करा जी, तो वो कहाँ को जा रहा है जी, वेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है जी। तो इसका मतलब आपका डायरेक्शन एक्सेलरेशन ए नॉट से जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर को ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स, जहां को इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव चार्ज उधर को ही जाता है। तो दो ऑप्शन है जी हमारे पास, सी और डी, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर को ही जाता है क्योंकि क्यू इंटू ई हो जाता है जी इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज में फोर्स की डायरेक्शन सेम होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो जाती है, तो ये आ गया जी। अब दूसरा केस, अगर ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, किधर जा रहा है जी, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ हमने भेजा वी नॉट स्पीड से। देखो जी पहला केस तो रेस्ट पे था ना जी, रेस्ट पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता, रेस्ट पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता, ठीक है जी, इनिशियल एक्सेलरेशन की ही बात हुई पहले केस में।
तो सिर्फ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगी, मैग्नेटिक सेकंड केस से पता लगेगा। अब मैग्नेटिक के लिए आपको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। अब ये फिर से जा तो किधर रहा है, पूरा वेस्ट की तरफ ही जा रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स भी वेस्ट की तरफ लगेगा। अब चार्ज पार्टिकल नॉर्थ में जा रहा है, चार्ज पार्टिकल नॉर्थ पे जा रहा है, ये ऊपर को नॉर्थ है हमारा, इन टू द प्लेन ऑफ द पेपर या डाउनवर्ड्स भी कह सकते हैं, अंदर की तरफ जा रहा है जी मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज पार्टिकल नॉर्थ तो फोर्स वेस्ट की तरफ जा रहा है। फोर्स किधर की तरफ जा रहा है जी, वेस्ट की तरफ। तो सेकंड केस से आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगेगी सेकंड केस से, ठीक है जी। तो सेकंड केस में क्या हो रहा है जी, देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जाएगी इनवर्ड्स, और चार्ज पार्टिकल ऊपर को, और फोर्स मैग्नेटिक इधर को लगेगा, तो वेस्ट की तरफ ही अगर चार्ज पार्टिकल बाद में भी जा रहा है नॉर्थ में जाते टाइम, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को रहेगी जी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स या इनवर्ड्स, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी, कैलकुलेशन करने की आपको इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी वैल्यू कैसे निकली है ये, पहले केस में तो आपको पता ही है जी, एम ए नॉट था पहले केस में, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई जी, एम ए नॉट बाय ई, ठीक है जी, तो ये वैल्यू आ गई। दूसरे केस में थ्री ए नॉट हो गया, तो ए नॉट तो किसके कारण से थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के, और बाकी बची टू ए नॉट मैग्नेटिक फील्ड के कारण से, तो फोर्स हमारा टोटल क्या आ गया जी, हमारा यहां पर टोटल फोर्स क्या आ गया जी, 2ma0 इज इक्वल टू क्यू वी, वेलोसिटी वी नॉट मान लो बी, तो यहां पर बी की वैल्यू निकालनी है 2ma0 बाय वी नॉट, ठीक है जी। तो ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में है, ठीक है जी। ये टॉपिक आगे भी है, एक क्वेश्चन आया हुआ है, और ये भी टॉपिक वही है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट आ जाओ जी, बुकलेट में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया, एक टेबल बना हुआ है जी पूरा, अगर हम बात करें उसकी तो अभी पेज दिखाते हैं आपको, पेज नंबर 24 है जी बुकलेट पे, जिसमें चार्ज पार्टिकल का पाथ के बारे में डिस्क्रिप्शन है सारी, कि वेलोसिटी सेम होगी, मोमेंटम सेम होगा, किनेटिक एनर्जी सेम होगी, पोटेंशियल सेम होगा, इस पे क्वेश्चन आने के पूरा पूरा चांसेस है, मैंने आपको बताया हुआ है, प्रोटोन और अल्फा पार्टिकल का कंपेरिजन भी बताया हुआ है यहाँ पर, और यही हमें क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है अगले वाले में। आयनाइजेशन हाइड्रोजन, मतलब आयनाइज्ड हाइड्रोजन, प्रोटोन बोलते हैं इसे, ठीक है जी, और ये अल्फा पार्टिकल है, सेम मोमेंट, मोमेंट सेम का मतलब मोमेंटम सेम हो गया, ठीक है जी। मोमेंटम सेम होने का मतलब, देखो बुकलेट में डायरेक्ट टेबल बना हुआ है, मैंने बताया भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोमेंटम सेम के बाद आर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू, आर पी बाय आर अल्फा इज इक्वल टू 2:1, अगर हमें आता है बहुत अच्छा, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे, आर का फार्मूला आया जी पी अपॉन क्यू वी, डायरेक्ट बुकलेट से पेज नंबर 24 पे आप देख सकते हैं जी, तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू आ गया जी। अब अल्फा पार्टिकल का चार्ज मैंने कई बार बता चुका हूँ, 2 times होता है चार्ज ऑफ प्रोटोन, तो आर एच मतलब आर प्रोटोन बाय आर अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू अल्फा बाय क्यू प्रोटोन, तो यहाँ पर 2 QP upon QP, QP से QP कैंसिल हो गया, तो ये 2:1 आ गया, तो बी आंसर आ गया जी यहाँ पर। मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसी पे आगे फिर से, एक प्रोटोन है एक अल्फा पार्टिकल है, बोथ एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मूविंग राइट एंगल टू ईच अदर, रेडियस दोनों का इक्वल दे दिया जी। अब रेडियस इक्वल बता दिया,
मतलब आर हमारा बराबर है, आर का फार्मूला होता है एनर्जी की टर्म्स में बात कर रहा है, तो अंडर रूट 2 m k बाय क्यू बी, ठीक है जी। बी सेम है दोनों के लिए, ठीक है जी। अब के की वैल्यू हमें निकालनी है दूसरे के लिए, तो अगर मैं आर को इक्वेट ही कर दूं दोनों के, आर एच और आर आर पी कह लो या आर अल्फा बराबर कर दूं, तो √2 m p हमें अल्फा पार्टिकल की किनेटिक एनर्जी निकालनी है, के पी अपॉन क्यू प्रोटोन। बी सेम है वैसे, कटिंग हो जाएगी अभी, √2 m अल्फा के अल्फा बाय क्यू अल्फा। बी से बी कैंसिल हो गया, क्यू अल्फा किसके बराबर होता है अभी बताया था मैंने, 2 टाइम्स QP, तो QP से QP भी कैंसिल कर सकते हैं, फिर स्केयरिंग कर देंगे जी, ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर मैं चेंज करूँ तो सीधा यहाँ से चेंज कर देते हैं, 2 QP हो जाएगा ये, ठीक है जी। QP से QP कैंसिल हो जाएगा, स्केयरिंग कर दो जी, 2 MP। अब यहाँ पर भी हम वैल्यू डाल देंगे पहले ही, KP, और यहाँ पर 2 × 4 × द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, 2 × 4 × द मास ऑफ अल्फा प्रोटोन होता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटोन के अल्फा, और ये नीचे 4 आ गया, 2 का स्केयर। एमपी से एमपी कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, के अल्फा बराबर है के पी। तो यहां पर क्या पता लगा, अगर रेडियस इक्वल होता है अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन का तो एनर्जी उनकी इक्वल होती है, यही पेज नंबर 24 पे दिया हुआ है, बिल्कुल सीधा दे रखा है जी। अगर के सेम है तो रेडियस दोनों का क्या होता है, सेम होता है 1:1। थर्ड पॉइंट, पहले सेकंड पॉइंट का क्वेश्चन था, अब थर्ड पॉइंट का क्वेश्चन, ठीक है जी। तो एक ही पेज से दो क्वेश्चन आपको मैंने, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया जी, अगर आप कर लें तो बेटर रहेंगे, ठीक है जी। पेज नंबर 24 पे नेक्स्ट आ जाओ जी, हमारा अ प्रोटोन कैरिंग 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, ठीक है जी, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट शुड बी द एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल डिस्क्राइबिंग द सेम रेडियस। बिल्कुल सेम क्वेश्चन 2012 में आया, फिर 2015 में। अब एनर्जी प्रोटोन की इतनी है, ठीक है जी, रेडियस सेम है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, अगर रेडियस प्रोटोन और अल्फा पार्टिकल का सेम है तो उनकी कैनेटिक एनर्जी क्या रहेगी जी, सेम रहेगी, डन है जी। नेक्स्ट है जी हमारा मोशन ऑफ मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है इसका, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ जी, अब हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है ये हमारा, एन ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू अप्लाइड अक्रॉस द डीज, साइक्लोट्रॉन का क्वेश्चन है, ऑफ अ साइक्लोट्रॉन दैट इज बींग यूज टू एक्सेलरेट प्रोटोन, द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यूज इन साइक्लोट्रॉन एंड कैनेटिक एनर्जी के ऑफ द प्रोटोन। हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड देखो जी, अगर फ्रिक्वेंसी न्यू है, न्यू का फार्मूला क्या होता है, देखो जी टाइम पीरियड का फार्मूला होता है, गिवन है 2π 23 पेज पे, ये सारा गिवन है जी, अगर आप वहां खोलेंगे 2π m/q b, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ जाएगा, हाँ जी, q b/2π ν, ठीक है जी। तो अगर मुझे यहाँ पर b की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है 2π m, ठीक है जी, तो बी की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है 2π m ν/e × b, e
नहीं बी नहीं आएगा, बी तो निकालना ही है, तो ई आ जाएगा। तो ये हमारा एक पार्ट तो हमारा हो गया जी। अब दो ऑप्शन इसमें आ रहे हैं बी और सी। अब एनर्जी मुझे निकालनी पड़ेगी। एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्केयर, किनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ एम वी स्केयर। तो हाफ एम वी स्केयर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो वी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्यू वी बी इज इक्वल टू, देखो ये सारे वैसे डायरेक्ट फार्मूला है, अगर मैं बुकलेट में दिखाने लगूं 2 मिनट लगेंगे जी। देखो हाँ जी, पेज नंबर 26 पे है जी ये हमारा बुकलेट के। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला दिया हुआ है, एनर्जी का फार्मूला दे रखा है, क्यू स्केयर बी स्केयर आर स्केयर, ठीक है जी, बाय 2m। बी की वैल्यू पुट, मतलब बी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से जो न्यू में निकाली है, बस वो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है जी। तो बिल्कुल सिंपल सा आपका फार्मूला इसमें बनेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो इसमें वी की वैल्यू आप फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में पूछा है, तो आप फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में ही वी की वैल्यू दे। फिर स्पीड का फार्मूला एक ये भी होता है, सर्कमफ्रेंस डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना जी। तो 1 अपॉन टाइम पीरियड को आप फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, 2π ν, है ना जी, 2π ν r हो जाएगा। अब यहां पर ये डाल दो, क्योंकि एनर्जी इसने पूछी ही आपको किसकी टर्म्स में है जी, न्यू की टर्म्स में, ठीक है जी। तो यहां डाल दो जी, तो कैनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन जाएगा हाफ एम वी का स्केयर 4π² ν² r² 2 से 1 2 कैंसिल हो गया जी, ठीक है जी। तो ये आ गया जी हमारा सी ऑप्शन। ध्यान रखना है जी न्यू की टर्म्स में पूछा है, बाकी ये बड़ा इजी डायरेक्ट फार्मूला है, क्वेश्चन नंबर मतलब पेज नंबर 26 पे बुकलेट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोट सेवर्ट्स लॉ के रेगुलर मतलब आ रहे हैं, ठीक है जी। तो अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट आई, हमारा एक स्ट्रेट कंडक्टर है कैरिंग करंट आई, स्प्लिट्स इट इनटू टू पार्ट्स एज शोन इन द फिगर, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप इज आर, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पी। बुकलेट में डायरेक्ट लिखा हुआ है जी, एक बार फिर से अगर मैं बताना चाहूं तो पेज नंबर मेरे ख्याल से 5 या 6। हाँ जी देखो जी, पेज नंबर 6 पे है जी, सेम टू सेम हमें बता रखा है जी। देखो चाहे शेप जैसी मर्जी हो, करंट आया और डिवाइड होके फिर वापस बाहर निकल गया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो। इसमें मैं सॉल्व नहीं करूंगा कुछ भी, सॉल्व आप देखना चाहते हैं तो बुकलेट में है, सेम क्वेश्चन सॉल्व भी है हमारा, ठीक है जी। पर हम बच्चों को डायरेक्ट नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी जी, जीरो। डायरेक्ट ही कहते हैं जी, अगर करंट कैसी भी शेप है एंटर करा, मटेरियल सेम होना चाहिए, वो मटेरियल अलग वाला जेई टाइप में क्वेश्चन आता है, पर इसमें मटेरियल सेम है, करंट यहां से डिवाइड होके यहां पर डिवाइड होके फिर यहां मिल गया जी, सारा का सारा टोटल करंट आई हो गया। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड इधर से बनेगी, इधर से क्लॉकवाइज बनेगी जी, अगर हम देखें क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड है तो अंदर को होगी, और नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज है तो वो बाहर को आएगा, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाएगी, उसकी मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट रहेगा, ठीक है जी। तो डायरेक्शन अपोजिट रहेगी, मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको मैं थ्योरी का क्वेश्चन कहूंगा, अगर आपने बुकलेट बहुत ध्यान से पढ़ी हुई है तो आपका कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस क्वेश्चन में, आपको 1 सेकेंड लगेगा ढंग से, मतलब अगर ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा है तो पूरा आधे मिनट में क्वेश्चन हो सकता है, अगर ये कॉन्सेप्ट पता है। इसके ऊपर भी एक कॉन्सेप्ट है, अगर पैरलर करंट के पैरलर पॉइंट है स्ट्रेट वायर में तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, ठीक है जी। ये पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बुकलेट में, वो आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट आ जाओ जी, 7th के बाद 8th क्वेश्चन। हाँ जी, ये हमारा असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन है जी, CR1। अगर हम किसी ने करी है मैग्नेटिक इफेक्ट्स की, CR1, अ लॉन्ग वायर कैरिंग अ स्टेडी करंट बेंट इन अ सर्कुलर लूप
ऑफ वन टर्न, एक टर्न किया है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है जी, बी। ठीक है जी, वैसे डायरेक्ट फार्मूला है, एन टर्न में कर दिया तो एन स्क्वायर। बस जिसने क्वेश्चन करा हुआ है उसको पता है जी, हाँ एक टर्न था अगर बी है तो एन टर्न में एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखो जी यहां पर कैसे आएगा वो मैं एक बता देता हूं। पहले रेडियस आर था, लेंथ एल थी, तो टू पाई आर किसके बराबर हो जाएगा जी, एल के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहां पर हमारा एल की वैल्यू आ गई। अब नई मैग्नेटिक फील्ड, पहले वाली मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या रहेगी, म्यू नॉट आई बाय टू आर। ठीक है जी, नई वाली मैग्नेटिक फील्ड, एन टर्न्स हैं तो एन से मल्टीप्लाई करेंगे जी, एन टर्न्स हैं तो हम एन से क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई एन म्यू नॉट आई बाय टू आर डैश। ठीक है जी, नया रेडियस हो जाएगा आर डैश, तो आर डैश की वैल्यू निकालेंगे, एन टर्न्स हैं तो टू पाई आर डैश इंटू एन इज इक्वल टू टोटल लेंथ, लेंथ की वैल्यू डाल दो जी यहाँ पर, टू पाई आर डैश इज इक्वल टू टू पाई आर, टू पाई से टू पाई कट गया, आर डैश क्या आ जाएगा आर बाई एन, यहाँ वैल्यू डाल दो जी, तो बी डैश क्या हो जाएगा एन म्यू नॉट आई बाय टू आर बाई एन, एन ऊपर जाएगा एन स्क्वायर इंटू बी हो जाएगा, तो ये आ गया जी बी ऑप्शन बन गया। डन है जी। नेक्स्ट हमारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जी, जेई में भी आया हुआ है, वैसे तो इजी है, हम तो डायरेक्ट बच्चों को याद करने के लिए बोलते हैं, अगर एक लूप था बाद में दो लूप हो गए तो फोर टाइम हो जाएगा। ठीक है जी, तो जैसे मर्जी आपका क्वेश्चन आ सकता है ये। नेक्स्ट थोड़ा सा कैलकुलेटिव है जी ये वाला क्वेश्चन। ठीक है जी, अब ध्यान से करना पड़ेगा जी ये। वायर ऑफ करंट आई हैज शेप शोन इन द फिगर, एडजॉइनिंग फिगर है, देखो जी एक सेमी सर्कल टाइप है, एक ये वायर अंदर की तरफ आ रही है, ठीक है जी, और एक ये वायर बाहर की तरफ जा रही है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, ये करंट हमारा अंदर की तरफ जा रहा है, ये क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड का सेमी सर्कल का फार्मूला क्या रहता है, म्यू नॉट आई बाय फोर पाई आर इंटू पाई। अब इसकी डायरेक्शन देखना बड़ा ही जरूरी है, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, अब देखो जी जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस किधर ये जा रहा है उसको हमें चेक करना पड़ेगा। अब ये क्लॉकवाइज है तो अंदर को जाएगा, अंदर का मतलब ये एक्स था, ये वाला एक्स था, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, क्लॉकवाइज है तो अंदर को जाएगा। अब इसके लिए सेमी इनफाइनाइट वायर का फार्मूला लगेगा, दोनों के लिए डायरेक्शन चेक करनी पड़ेगी, करंट अंदर को जा रहा है तो पाम नीचे को, मतलब ऊपर को पॉजिटिव जेड है तो नीचे को नेगेटिव जेड होगा, नीचे को क्या होगा जी नेगेटिव जेड, इधर वाले में ये जो दूसरा हमें देख रहे हैं दूसरा वाला, दूसरे वाले के लिए करंट बाहर को है तो पाम फिर से नीचे को जा रही है, तो दोनों ही अंदर को जाएंगे, सेमी इनफाइनाइट वायर का फार्मूला लगेगा, ये सेमी सर्कल का और ये सेमी इनफाइनाइट वायर का दोनों के लिए फार्मूला लगेगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ऐड हो जाएगा। वैसे सेमी इनफाइनाइट वायर का फार्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई आर। ठीक है जी, तो दोनों के लिए है तो टू से ऐड करना पड़ेगा, मतलब प्लस हो जाएगा, और इसकी जो डायरेक्शन थी पहले वाले की ये माइनस आई कैप थी नेगेटिव एक्स एक्सिस में, और ये दोनों नेगेटिव जेड एक्सिस में, तो माइनस के कैप हो गया, ये क्या हो गया जी माइनस के कैप। अब हमें ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे कौन से ऑप्शन है जिसमें माइनस आई कैप भी है माइनस जे कैप भी है, और ये रहा जी माइनस कॉमन ले लिया बाहर, उसने बिल्कुल ए ऑप्शन बन रहा है, पाए बाकी सब कुछ तो कॉमन है, ये तो सारा ही कॉमन है, टू के आ गया इसमें। ठीक है जी, तो ए आंसर आ गया, ऐड कराया जी बस, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर सम,
म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कॉमन आ गया, माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है जी। और यहाँ पर बचा क्या, पाई आई कैप, ठीक है जी, प्लस 2 K कैप। डन है जी, कोई डाउट? 10th क्वेश्चन देखते हैं जी। टू सिमिलर क्वाइल्स रेडियस आर लाइंग कोसेंट्रिक विद देयर प्लेन्स एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। द करंट्स आई एंड 2I, डायरेक्ट फार्मूला है जी इसमें, ठीक है जी। अब वो भी अगर आप बात करें तो सर्कल का डायग्राम बना लो जी, एक ऐसे है और एक हमारा ऐसे परपेंडिकुलर ले लो, आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। ब्लू वाले की मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज मानूं तो ऊपर को चली जाएगी राइट हैंड थंब रूल से, बी वाले की, ब्लू वाले की। और ग्रीन वाले में भी एंटी क्लॉकवाइज मान लें तो इधर को आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। देखो जी एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है जी, एंटी क्लॉकवाइज अपवर्ड्स, ठीक है जी। ब्लू वाला ऐसे प्लेन में था, ऊपर को चला गया, ये ऐसे था एंटी क्लॉकवाइज तो इधर को चला गया, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये B1 और ये B2 आपस में 90 डिग्री, 90 डिग्री का आपको पता ही है जी फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट। हाँ जी, अंडर रूट हमारा आ जाएगा जी यहाँ पर, नेट मैग्नेटिक फील्ड में आएगा अंडर रूट B1 स्केयर प्लस B2 स्केयर, ठीक है जी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन कैलकुलेशन के बाद आएगा, कैसे, B1 की वैल्यू आएगी म्यू नॉट आए अपॉन 2R, B2 आएगा जी म्यू नॉट आए 2I/2R, ठीक है जी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, अंडर रूट B1 स्केयर प्लस B2 स्केयर। वैल्यूज डालोगे तो 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, बाकी सब कुछ बाहर आ जाएगा। देखो जी यहाँ पर म्यू नॉट आए बाय 2R तो कॉमन ही है, वो बाहर आ जाएगा, 1 का स्केयर 1 और 2 का स्केयर 4, तो टोटल ऐड करके ये √5 आ जाएगा और ए ऑप्शन हमारा आ जाएगा, ठीक है जी। बुकलेट में ये भी दिया हुआ है पर मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो ये वैसे पेज नंबर 5 पे है फार्मूला डायरेक्ट, ठीक है जी। तो बुकलेट में तो आपको क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे अगर आप करने बैठेंगे तो। नेक्स्ट आ जाओ जी 11th क्वेश्चन। अ चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली स्प्रेड ऑन अ थिन रिंग, पूरी थिन रिंग पे स्प्रेड है जी, ऑफ रेडियस आर। द रिंग रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस, फ्रिक्वेंसी एफ है, फ्रिक्वेंसी एफ है उसकी। द मैग्नेट मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट द रिंग सेंटर ऑफ द रिंग, मतलब बेसिकली इसने क्या पूछा है जी हमारा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। वैसे फार्मूला क्या होता है सेंटर पे, म्यू नॉट आई बाय 2R, ठीक है जी। अब एक सर्कुलर रिंग है जिस पे चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो रिंग एफ फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रही है, एफ फ्रीक्वेंसी से क्या कर रही है जी, घूम रही है जी, रोटेट कर रही है। तो करंट का फार्मूला होता है क्यू अपॉन कैपिटल टी और क्यू इंटू एफ भी हो जाता है फ्रीक्वेंसी में। तो बस यहाँ पर आप ये डाल दें आई की वैल्यू क्यू एफ, तो ये आपका आंसर तैयार है, डायरेक्ट फार्मूला है जी, ठीक है जी। तो डायरेक्ट फार्मूला है हमारा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2R, म्यू नॉट क्यू एफ बाय 2R, ठीक है जी, डन है। नेक्स्ट आ जाओ जी हमारा एम्पियर सर्किट लॉ के 3 क्वेश्चन है, बड़े इजी हैं हमारे, ठीक है जी। 12th क्वेश्चन नंबर 33 एसएल अरोड़ा की जो बुक हम पढ़ाते हैं उसमें दिया हुआ है, बुकलेट में भी दिया हुआ है। सॉलिड सिलेंडर बुकलेट में हमने कराया जी, ठीक है जी। सॉलिड सिलेंडर का हमारा जो फार्मूला रहता है उसमें बी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहता है डी इनसाइड। अगर आप पढ़ेंगे तो इनसाइड का फार्मूला बी इनसाइड क्या रहता है, म्यू नॉट आए, म्यू नॉट आए, एक मिनट रुकना जी,
हाँ जी देखो जी, बी इनसाइड क्या रहेगा, म्यू नॉट आई डी अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर आ रहा है। डायरेक्ट फार्मूला है जी, बुकलेट का पेज नंबर अगर हम देखना चाहें तो वो भी दिखा देता हूँ जी मैं। एम्पियर सर्किटल लॉ में हमारा पेज नंबर 16 पे होगा जी, 15 16 पे ये, ठीक है जी, 16 या 17 पे, हाँ ये रहा जी, बिल्कुल दिया हुआ है जी। ग्राफ आप इससे रिलेट करेंगे, ये इनसाइड आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर, आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर। तो ग्राफ कैसे जाएगा जी, पहले स्ट्रेट लाइन बाहर को मतलब इनसाइड सरफेस तक पहुंचने तक स्ट्रेट लाइन, फिर आपका इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर, तो बी वर्सेस ये डी ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है जी। डायरेक्ट फार्मूला इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आउटसाइड का फार्मूला मैं लिख देता हूँ जी, बुकलेट का पेज नंबर 17 18 पे है जी ये, ठीक है जी। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, ठीक है जी, डन है जी। हाँ जी, थोड़ा सा शायद म्यूट हो गया था लास्ट में, तो बी इनसाइड हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी था और बी आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है, तो डी ऑप्शन हमारा बनेगा, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, जब तक रेडियस नहीं आता तब तक डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शन है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वही जो क्वेश्चन नंबर 33 मैंने बताया उसका सेकेंड पार्ट है और सेम हमारी बुकलेट में भी दे रखा है। अब ये देखो जी, इसमें सेम जो अभी फार्मूला हमने लगाया है वही आपने फार्मूला लगाना है। आउटसाइड के लिए, आउटसाइड हमारा अगर हम बात करें 2a है, तो b आउटसाइड क्या हो जाएगा, b आउट म्यू नॉट आई, देखो जी, अलोंग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए, रेडियस ए कैरीज अ करंट आई, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड बी डैश, एक अंदर है जब रेडियल डिस्टेंस ए बाय टू है और एक बाहर है, ठीक है जी। बाहर वाला तो सिंपल ही होता है 2 पाई इंटू डिस्टेंस कितना है 2a, तो बी आउट आ गया या बी डैश कह लो जी। बी इनसाइड क्या आएगा जी, म्यू नॉट आए इसका स्क्वेयर ए स्क्वेयर बाय 4 हो गया ना, इसका स्क्वेयर नहीं आएगा जी, ए आएगा अकेला, ए बाय 2 नीचे स्क्वेयर है, अपॉन 2 पाए रेडियस का स्क्वेयर, रेडियस इसका ए है ए स्क्वेयर, पॉइंट अंदर ए बाय 2 पे था, ए से ए कैंसिल हो गया, म्यू नॉट आए बाय 4 पाए ए, ये भी 4 पाए ए, दोनों की रेशियो अगर मैं निकालूंगा तो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, कैंसिल हो जाएगा सब। नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन है जी, टू आइडेंटिकल लॉन्ग कंडक्टिंग वायर्स ए ओ बी एंड सी ओ डी आर राइट एंगल्स टू ईच अदर, ए ओ बी और सी ओ डी राइट एंगल टू ईच अदर विद वन अबव द अदर, विद वन अबव द अदर सच दैट ओ इज कॉमन, ओ कॉमन है, करंट आई वन जा रहा है इसमें, ठीक है जी, और इसमें आपका आई टू जा रहा है, ए ओ बी और सी ओ बी, अ पी पॉइंट लाइंग एट डी डिस्टेंस फ्रॉम ओ, डी डिस्टेंस है ओ से, ठीक है जी, अलोंग अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वायर, अलोंग अ डायरेक्शन, ठीक है जी, अलोंग अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन
कंटेनिंग द वायर्स, ऐसे क्वेश्चन भी बुकलेट में भी हैं, एसएल में भी हैं। अब ये परपेंडिकुलर है, बाहर को है, एक तरह से ऊपर की तरफ है, ठीक है जी। अगर हम बात करें, ये ऊपर की तरफ है। अब इसमें क्या होगा, देखो यहां से अगर एक वायर ऐसे जा रही है और एक वायर ऐसे जा रही है, तो ये पॉइंट ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड आपकी इधर को जाएगी, ठीक है जी। और ये वाली वायर की मैग्नेटिक फील्ड करंट इधर जा रहा है तो इधर जाएगी। तो मतलब पहले वाले वायर की मैग्नेटिक फील्ड सी ओ डी की तरफ, मतलब इधर को जाएगी। अब ब्लैक से मैं दिखा रहा हूँ जी, पहले वाले वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आएगी, जो पहली वाली वायर है उसका करंट इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को इधर को जाएगी। और दूसरी वाली वायर के लिए करंट इधर को है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर को जाएगी जी आपकी, इस साइड को। दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है जी, और परपेंडिकुलर है, तो ए की ऑप्शन में पावर हाफ है। परपेंडिकुलर में मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट होता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो अंडर रूट बी वन स्केयर प्लस बी टू स्केयर, तो कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट हम इस पे टिक कर सकते हैं जी। बस फार्मूला क्या था, बी वन का दोनों स्ट्रेट वायर है, म्यू नॉट आई वन टू पाई डी, ठीक है जी। दूसरे का बी टू का भी यही फार्मूला आएगा, बस म्यू टू म्यू नॉट आई टू टू पाई डी, ठीक है जी। और इसमें फिर हम क्या करेंगे जी, स्क्वेयरिंग करके ऐड कर देंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी अंडर रूट बी वन स्केयर प्लस बी टू स्केयर, और अंडर रूट करेंगे तो ये फार्मूला आप आंसर आपका ड्राइव हो जाएगा, ठीक है जी। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप करें जरूर, और ये आपका आए हुए हैं जी, आपके नीट 2014 में आया हुआ है। और बुकलेट ध्यान से पढ़ें, हर एक पेज को अगर अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। थैंक यू जी।